हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यस बैंक की हम बात कर रहे हैं, आप ये जान ही गए होंगे अब तक कि यस बैंक की बिगड़ती हालत की वजह क्या है, एनपीए। बीजेपी कह रही है कि बैंक का बढ़ता एनपीए कांग्रेस के जमाने की दी हुई समस्या है। कांग्रेस जवाब दे रही है साल दर साल एनपीए का आंकड़ा पेश करके। यह आंकड़ा यस बैंक का है जिसके मुताबिक 2014 में यस बैंक का एनपीए महज 55,000 करोड़ रुपए था, 2015 में 75,000 करोड़ हो गया, फिर 2016 में 98,000 करोड़ पहुंच गया और 2017 के अंत तक 1,32,000 करोड़ हो गया, 2018 में 2,00,000 करोड़ के पार चला गया और पिछले साल तक 2,41,000 करोड़ तक पहुंच गया। आपको फिर बता दें यह आंकड़ा कांग्रेस ने जारी किया है। यह आंकड़ा जारी करते हुए पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि नोटबंदी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। अब इस आरोप पर बीजेपी के जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज दिन भर यस बैंक को लेकर खूब राजनीति हुई। हालांकि वित्त मंत्री भरोसा दिला रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछले एक साल में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसने बैंकिंग सिस्टम पर लोगों के भरोसे को चोट पहुंचाई है। ये रिपोर्ट आपके लिए है। जीडीपी की विकास दर 5% से कम हो गई, पीएफ पर ब्याज दर 7 सालों में सबसे कम हुई, राष्ट्रीय बैंकों का एनपीए 7,00,000 करोड़ के पार गए, बढ़ते एनपीए के कारण बैंकों की हालत बिगड़ी, एनबीएफसी सेक्टर की 2 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई, नवंबर 2019 में पीएमसी बैंक पर संकट छाया और आज यस बैंक से 3 अप्रैल तक 50,000 रुपए निकालने की पाबंदी। अर्थव्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम करने वाली ये सारी घटनाएं पिछले एक साल में हुई है। लोग निराश और मायूस दिख रहे हैं, रातों की नींद उड़ गई है। अभी 6 करोड़ का है, उसके सामने ऑलरेडी मेरा ODB पास है और कल मैंने ऑलरेडी 5.5 करोड़ का तो चेक इश्यू किया, एक प्रॉपर्टी लेने का था इसके लिए। अभी क्या होएगा, पूरा रात में नहीं सो पाया, अभी सुबह इधर में आ गया हूँ। ऐसा तो है, सब लोग थोड़ा टेंशन में तो रहते ही, इसके लिए थोड़ा ऐसा हो ही जाता है, पर पूरी रात तो पूरा बहुत खराब गया है। अभी क्या, अभी लाइन में खड़ा रह के, मेरा तो सुबह से पेपर में पढ़ा तभी से माइल्ड अटैक जैसा आ गया है। यस बैंक पर आरबीआई के आदेश के बाद सरकार चारों ओर से घिरती दिख रही है, वित्त मंत्री को भी सामने आना पड़ा। डिपोजिटर्स को मैं आश्वासन दिलाना चाह रही हूँ बिल्कुल कि आपके पैसा सुरक्षित है, और रिजर्व बैंक ने मुझे, मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ और रिजर्व बैंक गवर्नर ही मुझे आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द इसका अच्छा सा रेसोल्यूशन हो जाएगा, कोई नुकसान किसी डिपॉजिटर को नहीं होगा। यह सवाल सिर्फ यस बैंक के खाता धारकों तक ही सीमित नहीं है, सवाल देश की अर्थव्यवस्था के बिगड़े हालात पर है, खासकर बैंकिंग सेक्टर की। ग्लोबल समिट हो रहा है राजधानी दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री जाकर अपना भाषण देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, भाई उसका स्पॉन्सर यस बैंक है, और आप देश की जनता को कह रहे हैं कि 50 जो अकाउंट होल्डर है 50,000 ज्यादा नहीं निकाल सकते, और वो भी झूठ है। फोन पे वो जो ऐप है वो नहीं चल पा रहा है क्योंकि उसका कनेक्शन यस बैंक से है। पीएमसी बैंक बैठ गया, फिर ILFS दीवान सब बैठ गया। देश की जो जनता है वो अब डर रही है कि भाई हम उनका जो पैसा बैंक्स में है उसको रखें या निकाल लें। देश के वित्त मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इससे भी बड़ी बात कह दी है। BJP has been in power for 6 years. Obviously, they have no capacity to govern and regulate financial institutions. First, it was the PMC Bank. Today, it is the Yes Bank. It shows complete regulatory failure. And I wonder if this is the end or there will be more in the line. Yet the government keeps absolutely silent. सरकार की क्षमता पर सवाल, भला बीजेपी कैसे बर्दाश्त कर पाती, लिहाजा फौरन जवाब दिया गया। इस बैंक का सवाल है, सारे बैंकिंग व्यवस्था को तस नस्त करने वाले चिदंबरम अभी कोई बड़ा वकील बनकर बयान दे रहे हैं।
सारे बैंकिंग को, फोन बैंकिंग व्यवस्था चिदंबरम के दौरान हुआ है और सभी सीएमडीज को फोन करके माल्या को पैसा दो ये कहने वाले खुद चिदंबरम थे। एनपीए को लेकर 2018 में यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही थी और तब संसद में खूब तालियां भी बजी थी। ये एनपीए आपका पाप था और मैं आज इस पवित्र सदन में खड़ा रह करके कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा रह करके कहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद एक भी ऐसी लोन हमने नहीं दिए जिसको एनपीए की नौबत आई हो। जनता अपनी मेहनत की कमाई को लेकर डरी हुई है, लिहाजा ये वक्त एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का नहीं है, हकीकत को कबूल कर समाधान निकालने का है। और हकीकत यह है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों का एनपीए 7,16,000 करोड़ पहुंच चुका है। हालांकि मोदी सरकार ने इसे कम करने के उपाय किए हैं जिसका फायदा दिखा और एनपीए पर कुछ हद तक लगाम लगी, क्योंकि मार्च 2018 में ये करीब 9,00,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। लेकिन बैंकों की सेहत के लिए ये राहत बहुत छोटी थी। इस बीमारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचाई। 2018 में ही एनबीएफसी सेक्टर में संकट गहरा गया जब एक बड़ी कंपनी आयरलैंड एफसी डिफॉल्टर हो गई। 14 सितंबर 2018 को आयरलैंड एफसी को बैंक लोन की ब्याज की किस्त चुकानी थी जो कंपनी चुका नहीं पाई। इसके बाद तो हंगामा मच गया, एनबीएफसी के बैलेंस शीट को कर्जदाताओं ने गौर से देखना शुरू किया और उनका भरोसा डगमगाया। उसके बाद इस सेक्टर का दूसरा झटका डीएचएफएल ने दिया, वो भी दिवालिया हो गई। आयरलैंड एफसी कंपनी पर 99,354 करोड़ का कर्ज था जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों का 35,382 करोड़ रुपया था, तो डीएचएफएल पर भी 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। एनबीएफसी सेक्टर में एनपीए यानी डूबा हुआ कर्ज 2018-19 में 6.6% तक पहुंच गया था, जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी भी दिखने लगी और इससे रियल एस्टेट सेक्टर, स्टील उद्योग, रोड सेक्टर के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर भी प्रभावित हुआ। देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के भरोसे को एक और झटका नवंबर 2019 में भी लगा जब मुंबई में पीएमसी बैंक का बड़ा घोटाला सामने आया। तब अपने ही पैसे के लिए लोगों को सड़कों पर धरना देना पड़ा। पीएमसी बैंक में 6,500 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ। खाता धारकों के लिए एक महीने में 1,00,000 रुपए की निकासी की सीमा तय है। लोगों की मांग के बाद धीरे धीरे कर ये सीमा कई बार बढ़ाई गई और 1,00,000 तक पहुंची। और अब देश के चौथे बड़े प्राइवेट बैंक यस बैंक में भी 3 अप्रैल तक के लिए 50,000 की सीमा तय कर दी गई है। हालांकि ग्राहकों के जमा पैसे को लेकर जो बहस छिड़ी है उसका एक समाधान भी इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने दिया है। 2020-21 के बजट में बैंक खातों में जमा रकम पर इंश्योरेंस गारंटी की सीमा बढ़ा दी गई। अगर कोई बैंक डूबता है तो अब ग्राहकों को 5,00,000 रुपए वापस करने की गारंटी है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।